हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? इसका आंसर है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर है फेफड़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? इसका आंसर है यूट्रिकुलेरिया। इसकी व्याख्या है, कुछ पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति के लिए वे कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया, रोसेरा, डायोनिया और निफेंटेस आदि। अगला क्वेश्चन है, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? इसका आंसर है पोरीफेरा। इसकी व्याख्या है, स्पंज गुहा पोरीफेरा जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। इनके शरीर की देह भित्ति में असंख्य सूक्ष्म ऑस्टिया नामक छिद्र होते हैं जो इनके लिए मुख गुहा का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसका आंसर है एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन है, आंसू का पीएच मान क्या होता है? इसका आंसर है 7.4। इसकी व्याख्या है, आंसू हल्के क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है डगलस एंगेलबर्ट ने। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट देने के लिए किस मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे? इसका आंसर है फाइल। अगला क्वेश्चन है, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या है, एसएसडी डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड असेंबली का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? इसका आंसर है 1024। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है? इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां? इसका आंसर है ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। इसका आंसर है चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर है CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस कार्य प्रणाली ई कोर्ट में MMP का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है मिशन मोड प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसका आंसर है वनारोपण करके। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है 2003 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रीवा के सुंदरजा आम के साथ साथ किसको मध्य प्रदेश में GI टैग प्राप्त हुआ? इसका आंसर है मुरैना की गजक को। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की? इसका आंसर है 1984। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका आंसर है सहनाई से। अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 सितंबर को। इसकी व्याख्या है, 17 नवंबर 1964 को
यूनेस्को ने 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। पहली बार 1966 में विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, डार्क एवेंजर्स सी ब्रेन शब्दावली किससे संबंधित है? इसका आंसर है कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए किसी राज्य की न्यूनतम कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? इसका आंसर है 20 लाख। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर है जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? इसका आंसर है बलराम जाखड़। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसमें बताया गया है प्रथम उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे जी हैं, ये भी सही है। सेकंड नंबर पे बताया गया है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो कि पंडित कुंजीलाल दुबे हैं, ये भी सही है। थर्ड नंबर पे बताया गया प्रथम महिला उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे है, ये भी सही है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर एवं विपक्ष के नेता भी रहे हैं? इसका आंसर है अर्जुन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? इसका आंसर है 3 बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? इसका आंसर है गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का संवैधानिक प्रावधान नहीं है? इसका आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला, आ बेन गंगा की सहायक नदी नर्मदा नहीं है, छिप्रा की सहायक नदी चंबल है, तवा की सहायक नदी नर्मदा है, बेतवा की सहायक नदी यमुना है, लेकिन बेन गंगा की सहायक नदी नर्मदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B2C से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है वसुधा गुप्ता, डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ किस जिले में किया गया? इसका आंसर है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? इसका आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की गई? इसका आंसर है विश्व आर्थिक मंच। इसकी व्याख्या है, इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष, यूनिसेफ और युवा के सहयोग से जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 मैचों में 3,500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इसका आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटमेल की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है सबीर भाटिया ने। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक
क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है कोयले के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर है बैरन द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इसका आंसर है शांत घाटी में। इसकी व्याख्या है, यह घाटी जो है केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? इसका आंसर है गद्दी। और इसकी व्याख्या है, गद्दी जनजाति मुख्यतः हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बानमोर सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर है 1922 से 1923। अगला क्वेश्चन है, शारदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है सतना। इसकी व्याख्या है, शारदा माता मंदिर सतना जिले के पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली।